समीकरण बनाने शुरू किए थे। इसलिए समीकरण बनाने शुरू किए थे क्योंकि इस बात को उनको आशंका थी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां राजनीतिक समीकरण केवल जातिगत वोट साधने से नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में अगर कोई घटना है उसका इम्पैक्ट एनसीआर बेल्ट में पड़ता है। इस वजह से जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, संगठन मंत्री है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, लेकिन जो ये हार है भारतीय जनता पार्टी की वो निश्चित तौर पर सोचने के लिए मजबूर कर रही है, और खासतौर से एक सीट नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण को अब समझना होगा भारतीय जनता पार्टी को, और जो इनके चाणक्य हैं तमाम सारी जो नीतियां बना रहे थे उन लोगों को एक बार फिर से विचार करना होगा। क्योंकि मैनपुरी सीट पहले से भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान रही थी कि मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है, और शिवपाल सिंह के सहारे जिस प्रत्याशी को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था उस शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव ने अपने पाले में लाने का काम किया। डिंपल यादव और खुद अखिलेश यादव ने कई बार पैर छू करके और एक मैसेज देने का काम किया, और उस मैसेज का इंपैक्ट जब हुआ तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव आज कैसे एक साथ खड़े थे, कैसे विलय हो गया, कैसे झंडा जो है वो शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव ने देने का काम किया, आगे की रणनीति होगी अलग अलग। रामपुर में बड़ा डेंट है आजम खान को, और आजम खान एक तरीके से चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव की बात कर लीजिए या विधानसभा की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और अपने आप को एक तरीके से जब वो स्पीच देते हैं तो स्पीच नहीं बल्कि तकरीर देते हैं, तो उस आजम खान को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हाशिए पे ला करके समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र और जो अल्पसंख्यक की राजनीति करती रही है उसको बड़ा डेंट देने का काम किया है, और वहां पे पसमंदा समाज का सम्मेलन। माफ कीजिएगा पवन, वो इस लिहाज से देखा जाए अलग अलग समीकरण बन रहे हैं, चाहे वो आरएलडी के लिए उसका जाट प्लस गुजर प्लस मुस्लिम वोट बैंक वापस उसके खेमे में क्या आ गया है ये हम समझेंगे। आपसे खतौली से हिमांशु कुछ कह रहे हैं, अपडेट बताइए हिमांशु। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं मदन भैया आप जीतकर बाहर निकलते हुए, आप देख सकते हैं मदन भैया और उनके साथ जो पूरी टीम है सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको बाहर लाया जा रहा है, हाथ जोड़कर वो अभिवादन कर रहे हैं खतौली में, और मीडिया से बात करने की कोशिश भी करेंगे, मीडिया बात करेगी उनसे, मीडिया को इंतजार था वो क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार बाहुबली और एक क्रिमिनल छवि उनकी दिखाई गई थी और लगातार ये कहा गया था कि क्रिमिनल ग्राउंड से आते हैं, तो ऐसे में खतौली की जनता उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन जनता ने उनको एक्सेप्ट किया और 20,000 से ज्यादा यानी 22,000 से ज्यादा वोटों के साथ मदन भैया को खतौली विधानसभा से जीत मिली है। तस्वीरें आप देखेंगे तो मदन भैया के जयकारे भी लग रहे हैं, और यहां पर उनसे बात करने के लिए जो मीडिया है वो कितनी उतारू है वो भी आप देख सकते हैं। चलते हैं मदन भैया के पास, सीधा बात करने की कोशिश करते हैं। मदन भैया क्या कुछ कहेंगे? थोड़ा नीचे कर लो, नीचे थोड़ा। अब पहले हमारी सुन ले कृपया, जो है धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन, धन्यवाद किसान पमेरा और अल्पसंख्यक। ये किसानों की कमेरों की अल्पसंख्यकों की एक जो भारत की संस्कृति है भाईचारे की ये जीत है। हमने पहले भी कहा हमने किसानों की राजनीति की है, मजदूरों की राजनीति की है और गरीबों की राजनीति की है। कौन क्या कहता है सब इस कान से सुनकर इससे निकाल देते हैं। देखिए भाईचारे को पुनः बहाल करना है सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है, और पुनः उसके बाद मुजफ्फरनगर अपने वैभवशाली गौरव पे लौटे और जिससे वो उत्तर प्रदेश को एक दिशा दे पाए। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आप लोनी के रहने वाले हैं तो यहाँ पर कैसे ध्यान दे पाएंगे जीतने के बाद। अरे भैया लोनी क्या पाकिस्तान में है? क्या पाकिस्तान में है लोनी है? आप ये बताइए, आप कम से कम ऐसी बातें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम भाईचारा जोड़ रहे हैं। लोनी अभी हिस्सा है, खेकड़ा अभी हिस्सा है, मेरठ अभी हिस्सा है, इलाहाबाद अभी हिस्सा है, गोरखपुर अभी हिस्सा है। लोनी का जिक्र किया, लोनी प्रदेश का ही हिस्सा है, लेकिन एक बड़ी जीत खतौली वासियों ने आप पर भरोसा जताया है। लोनी के बावजूद के बाहरी प्रत्याशी, लोनी भी हम जीते थे, 1.25 लाख वोट लेके जीते थे। यहाँ का प्रशासन निष्पक्ष था, वहाँ का प्रशासन निष्पक्ष नहीं हो पाया था। रामपुर में
पहाड़ का सामना करना पड़ा। ठीक है, हो गया, ठीक है। चलिए पवन, आप क्या रुक कर रहे हैं, सुन सकते हैं किस तरह से बेबाकी से यहाँ पर, ठीक है, हिमांशु, यहाँ पर